नमस्कार दोस्तों मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूंगा जो कि मैं भी मानता हूं कि बहुत एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग डेट ऑफ बर्थ होती है वो होती है चौदह 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 तारीख को मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तेज इसलिए मानता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट जो होते हैं वो आपको चौदह तारीख को देखने को मिलेंगे चौदह वालों के जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बहुत अच्छे लेवल पर जाता है चौदह वालों का ग्राफ बहुत मतलब एक होता है ना कि यूं से यूं से यू फ्लाइट पकड़े ये इनका फ्लाइट क्यों होती है रॉकेट की तरह इनकी स्पीड होती है डाउनफॉल में भी जा सकती है और अपफॉल में भी ये डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मगर जो स्पीड होगी वो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ कि स्पीड एक्स्ट्रॉड होगी क्यों होगी ये बताता हूं मैं आपको देखिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि चौदह चौदह नंबर हुआ क्या चौदह नंबर का मतलब हो गया एक और चार अब एक और चार एक का मतलब हो गया सूर्य चार का मतलब हो गया राहु और इनका टोटल जो हो गया वो हो गया पांच अब एक से बात करते हैं कि एक का मतलब सूर्य हम सब जानते हैं सूर्य के बारे में आप लोग हजारों वीडियोज मिले होंगे सूर्य ये सूर्य तेज सूर्य प्रकाश सूर्य सूर्य का मतलब जो मैं मानता हूं वो एक आत्मा स्ट्रांगनेस कि भैया डिसीजन जो होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे उसमें बहुत कम चांसेस है कि ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे दूसरा चार चार का मतलब हम सब जानते हैं राहु अगर राहु, सूर्य जो एक सूर्य यानी राजा है तो जो राहु हो गया वो उसका मंत्री कह सकते हो आप मंत्री कह सकते हो कुछ और लैंग्वेज में कुछ लोग डॉन कहते हैं कि जो डॉन और स्मगलर्स होते हैं वो चार होता है उस हिसाब से अगर चार मंत्री है तो मंत्री का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया राजा को अगर नेगेटिव राजा है तो उसको सपोर्ट किसका मिल गया डॉन स्मगलर इन चीज का तो कहीं ना कहीं से राज्य को पावर मिली उसके डिसीजन को पावर मिली पंजा दोनों को जोड़ने की बात पंजा बनता है पंजा का मतलब हो गया यानी मरकरी यानी बुद्धि भी इन्वॉल्व होगी, गई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुद्धि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जिसे हम कहते हैं ऑर्डनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शतरंज कैसे खेलते हैं इनको आता है प्लानिंग कैसे करते हैं इनको आता है इनके बारे में और चीजें बताने से पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको समझ आ जाएगा आपने आमिर खान की डेट ऑफ बर्थ देखना चौदह मार्च तो बड़े साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे मेरे को के नाम याद नहीं है कभी वीडियोस अब चेक कर रहा था तो उसमें किसी ने बताया था तो उसमें आया था कि साइंटिस्ट था एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ था चौदह मार्च को और एक साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट मरा था और उसी के मरने के बाद उसी बर्थ टाइम पे कोई और दूसरा साइंटिस्ट पैदा हुआ था वो भी चौदह मार्च की डेट पड़ती थी पाई हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना सर्कम फ्रेंड्स जो हम होते हैं सर्कल का जो हम आ, उसको पाई मानते हैं जो रेडियस होता है कि पाई क्या होता है पाई पाई को अगर हम देखें तो उसको उसका जो वैल्यू रखी गई है वो रखी गई है थ्री वन फोर. ये इसी बेस पे रखी गई है थ्री का मतलब मार्च हो गया क्योंकि जो बाहर है आउट ऑफ इंडिया जो हम डेट्स लिखते हैं उसमें मंथ पहले लगाते हैं और डेट बाद में तो उस हिसाब से थ्री पॉइंट वन फोर यानी तीन मा ती, या, मार्च का तीन यानी मार्च चौदह चौदह इतनी तेज होती है यूनिक रिजल्ट्स साइंटिफिक माइंड शतरंज कैसे किसको कहां से उड़ाना है और किसको कहां पे एंटर करना है ये इन लोगों को आता है किसी को भी मतलब शिकस्त देनी है तो इनको पता है कि किसको कहां बार बार से उड़ा देना है वो ये बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं पैसा पैसा इनको बनाना आता है शेयर मार्केट के अंदर आपको बहुत लोग ऐसे देखने को मिलेंगे चौदह तारीख वाले जो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं हम ये हम इसको कैटेगराइज फुली इसलिए नहीं कर सकते कि हम सिर्फ चौदह के बेस पे सारे रिजल्ट्स नहीं कह सकते मैं अपने हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि एक बेस से हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम अनुमान लगा सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन पूरी डेट और इंफॉर्मेशन हमारे को उसकी बर्थ टाइम मगर चौदह के साथ ये चीज जो मैंने आपको बताई ये एक्स्ट्राऑर्डनरी आपको देखने को मिलेगी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेल सकते हैं ये लोग पॉलिटिशियंस होते भी हैं और पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी खेल सकते हैं कमांड है ना कमांड बहुत है राहु को राहु क्या चीज होती है राहु ना एक इल्यूजन होता है वो वो शेप ले लेता है जो सामने वाले की शेप होती है राहु अकेला है तो डिस्टर्ब है चार तारीख वाले लोग डिस्टर्ब रहेंगे अब प्योर चार वाले ले लो डिस्टर्ब रहे मगर चौदह के अंदर वो राहु एक के साथ जुड़ गया तो यानी एक की पावर को एक को पावर दे गया वो एक के रूप में आ गया राजा के रूप में राहु आ गया मतलब राजा के अंदर राहु आ गया तो अब सोच लीजिए राजा की पावर कितनी एक्सट्रॉर्नरी हो जाएगी तो छोटा काम कर रहा है राजा का मतलब ये नहीं कि सारे प्रधानमंत्री जी बन गए राजा बन गए राजा का मतलब अपने आप में राजा होते हैं अपने घर के अंदर अगर मैं चार बंदों के साथ रूल कर रहा हूँ और मैं चौदह तारीख का हूँ मैं चौदह के बीच में राजा हूँ मुझे पता है कैसे पॉलिटिक्स खेलनी है मुझे पता है इसकी चीज़ें कैसे घुमानी है क्या चीज़ें करनी है तो इस तरह से रिजल्ट शतरंज कैसे खेलनी है ये सारी चीजें आपको चौदह तारीख को देखने को मिलेगी पैसा यू बनाते हैं ऐसे ऐसी टेक्निक्स लगाएंगे ऐसे ऐसी चीजें बनाएंगे कि पैसा अपने आप आता है इनके पास रॉयल्टी तक आती है इनके पास रॉयल्टी के लिए बहुत वर्क करते हैं आज काम करेंगे आज के लिए आज से ज्यादा ऐसा काम करेंगे जो दस साल बाद भी पैसा कैसे आना है दस साल बाद की प्लानिंग इनके पास पहले हुई होगी बात के भी रिजल्ट्स उनके पास होंगे। ये चीजें आपको चौदह तारीख वालों में देखने को मिलेगी तो मैं खुद इंप्रेस काफी होता हूँ चौदह तारीख वालों से यही इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी चलिए आपसे अलविदा लेता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं जल्दी तब तो तक के लिए नमस्कार आपका समय शुभ रहे